इस संक्रमण काल के बाद में मनुष्य बड़ा ताकतवर है। मंच के बड़े विद्वान लोग बैठे हुए, मैं आपके बीच में, हमारे पदम अलबेला जी ने इस कवि सम्मेलन की जो शुरुआत की है, खराब गले में भी इन्होंने बड़ी बात कही है। आदमी का रामधारी सिंह दिनकर साहब ने कभी कहा है कि गीत वो नहीं है जो किसी को रिझा दे। गीत गाकर रिझाने की चीज नहीं है, ये किसने कहा? दिनकर जी ने कहा। हालांकि ये उन्होंने नहीं कहा, परंतु किसी पावरफुल आदमी का नाम लेना बहुत जरूरी है। आज देश में यही हो रहा कि कोई ना कोई पावरफुल आदमी के नाम से अपनी गाड़ी चला लो, बाकी और कुछ भी नहीं है। कवि सम्मेलन में यार उन्होंने फिराक गोरखपुरी साहब का नाम ये था, मनोज भैया ने बताया। पप्पू भैया, इतने लाख रुपए खर्च होते हैं, लाखों रुपए खर्चा होता है, और होली पे यह कवि सम्मेलन आप करवाते हैं, 60 साल से कवि सम्मेलन करवाते हैं। मैं आपके बीच में एक बात बड़े गर्व से ये बात कहना चाहता हूँ कि हम इतने दूर से इस अब हिंदी भाषी प्रदेश के अंदर आकर के यहाँ पे कविता पढ़ते हैं। पप्पू भाई, जितना पैसा और जो कवि सम्मेलन में हमें जो इतनी दूर की ये भटकन और ये महसूस होती है, इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपका पैसा भी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इन देश के तमाम कवियों की तरफ से हम आपको इसलिए धन्यवाद देते हैं भागलपुर के लोगों कि आप राष्ट्रभाषा हिंदी का ये विजय दिवस मना रहे, आप राष्ट्रभाषा हिंदी का कवि सम्मेलन करवा रहे, आप हमारी माँ का उत्सव कर रहे हैं, आप हिंदी का पर्व कर रहे हैं। आप चाहते तो यहाँ पे कोई दूसरा प्रोग्राम कर सकते थे, आप यहाँ लाफ्टर शो करवा सकते थे, परंतु आपने हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया है, इसलिए मैं राष्ट्र माता हिंदी की तरफ से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। ताली बजाने की जरूरत नहीं, दूसरे प्रोग्राम में पैसा ज्यादा लगता है, ये थोड़ा सस्ता ही कर है, इसलिए ये प्रोग्राम होता है। पप्पू भैया के पास में जितना बड़ा मैनेजमेंट है वो किसी के पास में नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब आप समझते हो? मैनेजमेंट समझते हैं? कैसे नहीं समझते हो आप? इतना बढ़िया कवि सम्मेलन इतने कम पैसे में, ये क्या है? यही मैनेजमेंट है, रस्ते का माल सस्ते में। कल प्रोग्राम था कहाँ पे? बोले टाटा नगर में। बोले कौन कौन आ रहे? बोले वो, बोले इनको इधर पकड़ के यहाँ टिका दो। रस्ते का माल सस्ते में, मैनेजमेंट, कम समय में बड़ा काम कर देना, कम समय में अच्छा काम कर देना, कम खर्च में बड़ा काम कर देना, यही मैनेजमेंट है, यही हिंदुस्तान की परिभाषा है कि जो हिंदुस्तान कम समय में सबसे बड़ा काम कर देता है। और सब अपने अपने ढंग से काम करते हैं। पिछले दिनों उत्तराखंड में रुद्रपुर से राहुल गांधी जी ने एक यात्रा निकाली, खाट यात्रा, 1600 खाट लगाए, खाट यात्रा निकाली। अब राहुल जी को, उनके जो सीनियर लोग हैं उनको बताना था कि भाई खाट से देश की समस्या का हल नहीं है, क्योंकि खाट एक ऐसी चीज है कि खाट पे आदमी जैसे गया कि समस्या खड़ी होती है। खाट समस्या को जन्म देता है। अब राहुल जी को इसकी जानकारी नहीं है, उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि उनका खुद का काम कभी खाट से पड़ा ही नहीं, इसलिए वो खाट यात्रा निकाल रहे। खाट का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने मेरे को बहुत सुना है, पहले भी कई बार YouTube वगैरह पे आप लोग सुनते रहते हैं, पर वो क्या है कि YouTube में और ओरिजिनल में बहुत फर्क है। YouTube में और ओरिजिनल में यह फर्क है मनोज भैया कि वो यूट्यूब है। नहीं, ये पहला फर्क है कि वो YouTube है और ये ओरिजिनल है। YouTube में बहुत सारी सुविधाएं रहती है, आप बाइक पे सुन सकते हो, आप कार चलाते हुए सुन सकते हो, आप घर में पड़े पड़े सुन सकते हो, आप खड़े खड़े सुन सकते हो, आप दोहड़े में सुन सकते हो। मैंने एक दिन किया जा, बोला YouTube आप दोहड़े में सुन सकते हो, तो एक कवित्री का दिमाग खराब हो गया, बोले ये दोहड़ क्या होता है? मैंने कहा आपको दोहड़ की जरूरत है क्या? आप समझते ना दोहड़? समझते ही होंगे, क्योंकि इस पृथ्वी पे आदि सृष्टि दोहड़ से ही बनी हुई है। आदि सृष्टि का निर्माण तो दोहड़ में ही हुआ है। अब वो कवित्री समझती नहीं थी कि दोहड़ होता क्या है, वो समझे कोई बहुत अच्छी चीज होती होगी और कोई महत्वपूर्ण चीज होगी, बोले एक दोहड़ मेरे को भी दिलाओ ना। मैंने कहा आज के आज ही लोगे क्या? बोले अगर आपकी इच्छा हो तो आज ही दिला दो।
मैंने कहा ठीक है, मैं तो ये काम करता नहीं हूँ दोहड़ वोहड़ का, परंतु आप इसके लिए आशीष भैया से संपर्क करें, अगर वो चाहे तो वो वीर रस के कवि ये काम कर सकते हैं। मैं तो बहुत सीधा आदमी हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, प्रेम के गीत में विश्वास भी रखता हूँ, मैं दशरथ मांझी का वंशज हूँ, मैं पर्वतों का सीना काटने वाला, ये वो हिंदुस्तान है मेरे भाई। आप कह रहे थे कि यहाँ पे बीजेपी के विधायक और ये बैठे और कांग्रेस के विधायक बैठे और जेडीयू के सांसद बैठे और सारे लोग एक साथ बैठे, तो भाई सारे लोग साथ में नहीं बैठेंगे तो कहाँ जाएंगे। ये वो तपस्थली है जिस चाणक्य ने इस धरती पे जन्म लिया और दुनिया के सबसे ताकतवर घनानंद को धूल धूसरित करने वाला ये बिहार है मेरे भाई, जो दुनिया को राजनीति सिखाता है ये बिहार। मैं इस बिहार की धरती पे खड़ा रहा, हालांकि मैं कविता पढ़ रहा हूँ, इस कविता का इस बात से कोई लेना देना नहीं है, परंतु मेरे को पप्पू भैया ने पहले कह दिया था, बोले थोड़ा खींच देना, तो मैं बीच बीच में खींच रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। मैं पंडित आदमी हूँ, बैरागी आदमी हूँ, सारे मंत्र जानता हूँ, मैं मरे गरे के भी जानता हूँ, शादी ब्याह के भी जानता हूँ, कौन से वाला कहाँ पढ़ना बस यही मेरे को याद नहीं रहता है, बाकी जानता सब। आदमी के पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस जिंदा है तो सब कुछ जिंदा है भाई। इस हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता ने जो भी डिसीजन लिया है पूरी ईमानदारी से लिया है। हमने 10 साल तक एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा, मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे, 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया डॉक्टर होने के बाद। इसके बाद फिर एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, उसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं, ये टांके गलत सुलत आ गए, इसलिए लोगों को दर्द हो रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं है। दर्द होने के कई सारे कारण है, जरा ताली वाली बजाइए, टांके क्यों गलत आ रहे हैं भाई, समस्या है हमारी है यार। पूरे देश में आकर अखबार के लोग बैठे हुए, पत्रकार लोग यहाँ पर बैठे हुए, बड़े महान लोग या विभूति यहाँ पर बैठे हुए, पुलिस विभाग के हमारे बड़े अधिकारी यहाँ पर विराजमान है, ये क्यों बैठे हुए हैं? ये इसलिए बैठे क्योंकि इनकी व्यवस्था है बैठने की, इसलिए बैठे, कोई खास बात नहीं है। नहीं, आदमी डाउट करता कि यार ये क्यों बैठे होंगे भाई। कई बार क्या होता है कि कवि सम्मेलन में टाइम कम रहता और संचालक टाइम खींच लेता है, बोला भाई ये मैं आपके बीच में ऐसी कवित्री को बुला रहा हूँ जो हमारे बीच में जबलपुर से चल करके आई है, मणिका दुबे हमारे बीच में आ रही है। लोगों को डाउट होता है कि यार ये वहां से क्यों आई होगी, ये वहां से क्यों आई होगी, और फिर चल के आई है तो यार वहां से चली होगी तो कितने दिन पहले निकली होगी, एक तो पहले से इससे चलाया नहीं जा रहा है, देश में अकाल क्यों पड़ता है इसको देखो तो मालूम पड़ता है कि अकाल क्यों पड़ा हुआ है देश में, और फिर ये जबलपुर से चली होगी तो कितने दिन में पहुंची होगी, लोगों को डाउट होता है भाई ये वहां से इसलिए आई क्योंकि ये वहीं की रहने वाली है। इतनी छोटी सी बात है, इसमें इतना लोट लेने की क्या जरूरत है, पूरा देश छोटी छोटी बातों पर लोट ले रहा है, ये ऐसा ऐसा अपने को ऐसा कोई लोट नहीं लेना, बहुत सरल सी बात है, सामान्य सी बात है। करोड़ों रुपए चुनाव बिगाड़ते हैं, चुनाव में बिगड़ते हैं लोग, बाग चुनाव हार जाते हैं, इतना लोट लेते हैं, अरे बोले चुनाव में हार गए अपन, चुनाव में हार गए, अभी चार जगह के प्रदेश के चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ वहाँ पे कांग्रेस जीत गई, गुजरात में चुनाव हुआ तो बीजेपी जीत गई, दिल्ली में आम आदमी वाले जीत गए, तो सब अपने अपने हिसाब से जीत गए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत गई, उनको बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा, बोले जीत तो गए पर क्या भरोसा अपने विधायकों कब उठा के बीजेपी वाले ले जाए, उनको अपने ही आदमियों पे भरोसा नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी वालों की समस्या ये है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं, कांग्रेस वाले अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं, संभल किसी से भी नहीं रहा पर राजनीति सब कर रहे हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। हम राम रहीम को गाली दे रहे हैं, हम आसाराम बापू को गाली दे रहे हैं, मेरे को इस बात का दुख नहीं है, राम रहीम को सजाओ फांसी हो, आसाराम बापू को फांसी हो, मुझे दुख इस बात का पप्पू भैया कि इनके डेरे में ये अकेली गई क्यों, बहुत बढ़िया, आप अकेली क्यों गई, भूल करके भी चली मत जाना अकेले में, हंसो मत अकेले में, हंसते नहीं है, और वो अकेले में हंसी होगी, अगला समझ गया, बोले ये हंस रही है मतलब अब फंस रही है, भूल करके भी चली मत जाना अकेले में, लोग चेहरे पे चेहरा लगा करके घूम रहे इस मेले में, दो पंक्ति कवि सम्मेलन को जरा जवान कर देना मेरे भाई, भूल करके भी चली मत जाना अकेले में, और अगर चली गई अकेले में तो आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप की,
क्योंकि तुमने वो मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप की।